हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ चिकन झोर की रेसिपी। तो देखिए, एकदम बंगाली डिश है ये। चिकन झोर और चावल की रेसिपी मैं लेके आई हूँ और बहुत इजीली तरीके से बन जाते हैं। जो बैचलर है उनके लिए तो ये आसान रेसिपी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैंने चार बड़े साइज में प्याज और चिकन मैंने ली है 1 किलो, और टमाटर लिए है 2, धनिया पत्ता साथ साथ, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुकिंग ऑयल। और मैं बनाऊंगी आज कुकर में। तो जो बैचलर लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इजीली रेसिपी है, तो ऐसे बनाइए जो आप इजीली तरीके से बना सकें। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल ऐड करूंगी कुकर को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद। और जो स्कूल कॉलेज वगैरह में रहते हैं, जो जॉब करते हैं बाहर में, जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, उनके लिए बहुत इजीली रेसिपी है ये, झटपट बन जाते हैं और ज़्यादा कुछ मसाले वसाले नहीं लगते हैं। तो ये बैचलर लोगों के लिए स्पेशल। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो सरसों तेल में बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ खड़े मसाले लिए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, बहुत टेस्टी चिकन बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेज पत्ता, 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा सा जीरा, 1 सूखी मिर्च, ये मैंने लिए। मार्केट में इसी तरीके से मिल जाते हैं, आप मसाले वाले के पास आप इसी तरीके से ये मसाले, खड़े मसाले आप ले सकते हो। तो जितने भी मेरे पास खड़े मसाले थे मैंने तेल में, गर्म तेल में मैंने डाल दिए। अच्छी तरीके से इसको लाल होने देते हैं। तो जो बाहर में जॉब वगैरह करते हैं उनको चिकन बनाना बहुत मुश्किल होता है और वो घर का चिकन बहुत मिस करते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी बनाएंगे तो वो टेस्ट तो खैर घर का टेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल वैसे ही कुछ लगेंगे आपको खाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल गर्म होने और खड़े मसाले चटकने के बाद मैंने यहाँ पे तेल प्याज डाल दिए हैं। 4 प्याज मैंने अच्छे तरीके से कट करके मैं रखी थी। तो और मैं किसी और दिन मैं अलग तरीके से लेके आएँ जो और लेके आऊँगी, जो बैठा हुआ चिकन बोलते हैं उसको, मतलब सब कुछ मिला के बनाने वाला, उसकी रेसिपी मैं जरूर लेके आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 कली लहसुन डाल दी। आप लहसुन अगर ऊपर से खाना पसंद करते हो तो ऊपर से आप डाल दो। तो मैं यहाँ पर 3 कली लहसुन डाली हूँ टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए मैं और पेस्ट भी ऐड करूँगी। तो पहले प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं 2 चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ ताकि प्याज जो है अच्छी तरीके से गल जाए और फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ, ब्राउन हो भी गए हैं। तो यहीं पे मैं चिकन ऐड करूँगी और इसमें मैं 2 आलू भी डालूँगी। बहुत जन आलू पसंद करते हैं, बहुत जन नहीं पसंद करते। आप अगर खाते हो तो ऐड करें वरना ना करें। तो मैं यहाँ पे देखिए भर के 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिए हैं। और आप यहाँ पे आप अगर अदरक लहसुन का पेस्ट आप नहीं डालते हो तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को अच्छी तरीके से ना मामदास्ता या फिर कोई गिलास के मदद से ये आप मतलब उसको कुछ के भी डाल सकते हो। तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बैचलर है उनके लिए, नहीं तो बाद में तो आप हाउस वाइफ वगैरह हम लोग पीस के रखते हैं सब बनाने के लिए। तो आप अगर पीस के नहीं रखते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और देखिए मैंने मसाले मैंने डाल दिए, तो ये बेसिक मसाले हैं जो मैं मिला के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, ये सब सारे मिक्स करके मैं मसाले एक अलग डब्बा में स्टोर करके रखती हूँ। तो जब कभी भी इजी तरीके से आप बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाएं। और मैं फिर से बोल रही हूँ जो बैचलर हैं उन लोगों के लिए ये मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, और इस तरीके से आप चिकन बनाओ वो भी परफेक्ट है। तो ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं लगेंगे, आप इस तरीके से बना सकते हो। कोई मार्केट में मतलब जाओ तो मसाले वाले को बोलो मुझे मिक्स मसाला बना के दो, जितने भी वो सारे मिक्स मसाले वो पूछेंगे कि किस तरीके के, तो मतलब सारे मिक्स मसाले, तो वो इस तरीके के मसाले आपको बना के देते हैं, बहुत इजीली तरीके से दे देते हैं। और आप अगर नहीं बना सकते तो आप पैकेट बाय पैकेट ला के मिक्स करके रख सकते हैं स्टोर करके डब्बा में। तो मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिए हैं, मसाले भी मैंने फ्राई कर लिए थे, लहसुन का पेस्ट भी मैंने फ्राई कर लिया। मैंने 2-3 हरी मिर्च यहाँ पे ऐड करी हूँ और तीखा मैं अपने हिसाब से रखी हूँ। अगर आप टमाटर खाते हो तो टमाटर ऐड करो, वरना आप ना करो उसको स्किप कर दो। फिर मैंने यहाँ टमाटर डाले हैं, थोड़ा धनिया पत्ता मैंने भर के 1 मुट्ठी वो ऐड कर दिए हैं, नमक टेस्ट के अनुसार मैंने डाले हैं। तो जब कभी भी मैं बनाती हूँ इस तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल एकदम झटपट बन भी जाते हैं और बहुत इजीली तरीके से बनते हैं और बहुत आसान रेसिपी है। कोई आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होंगे ना बनाने में ना मसाले में, और टेस्ट बिल्कुल गांव वाली आएंगे।
तो यहाँ पे देखिए कम से कम इसको 5 मिनट तक मैं फ्राई करती हूँ मसाले को, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज अच्छी तरीके से, जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। तो मैं 5 मिनट तक इसको कंटिन्यू फ्राई करती हूँ। तो देखिए इसका कलर भी आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो मैं आज ग्रेवी वाली बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे चावल के साथ बच्चे लोग को देना है खाने के लिए, तो मैं आज ग्रेवी वाली बना रही हूँ। वैसे बहुत सारी चिकन की जो वीडियो है बहुत अपलोड कर चुकी हूँ मैं, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ में आलू भी मैंने कट करके रख दिए हैं। मटन और चिकन और मछली के जो वीडियो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप बोलेंगे तो लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर रही थी, मेरे हिसाब से कुकर थोड़ी सी छोटी हो गई थी बट अच्छी इजीली तरीके से मतलब धीरे धीरे करके मैं इसमें भून रही हूँ। तो देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, कलर भी बिल्कुल चेंज हो गए हैं आप देख पा रहे होंगे। मैं तो अगर आपके पास कढ़ाई है तो इस तरीके से आप फ्राई करके कुकर में ऐड करें, अगर नहीं तो आप इस तरीके से बना दें। यहाँ पे मैंने मुझे जितने पानी चाहिए थे मैंने उतने पानी यहाँ पे ऐड करके, और उसमें मैं प्रेशर कुकर दूँगी, कम से कम 2 सीटी लगाऊँगी इसमें। तो जैसे सेम आप कुकर में बनाते हो आप जब इस तरीके से आप कढ़ाई में बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर ढक्कन लगा के 2 सीटी लगाऊँगी, लगभग 2 सीटी में चिकन और आलू अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और फाइनली देखिए चिकन का कलर कितना खूबसूरत है और खुशबू भी बहुत प्यारी आए थे। यहाँ पे मैं डालूँगी गरम मसाला, तो आप अगर यहाँ पे पानी नहीं डालते तो सूखा भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के आप सीटी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए गरम मसाला ऐड करूँगी थोड़ा सा, अगर आप गरम मसाला नहीं तो इसके जगह पे आप चिकन मसाला कोई भी कंपनी का ऐड कर दो, बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैं गरम मसाला होममेड गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। तो देखिए कलर भी आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत कलर है, और खाने में बहुत टेस्टी बने थे ये गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी और के साथ। तो फाइनली देखिए चिकन की रेसिपी कलर भी बहुत अच्छे हैं, बन के भी बहुत टेस्टी बने थे। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। और मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।